केमिस्ट्री वाइज संदीप शर्मा में आपका स्वागत है। मैं इस चैनल में आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री, जो आपको ले सक्सेस की ओर। इसलिए चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करें। केमिस्ट्री वाइज संदीप शर्मा में आपका वापस से स्वागत है। मैं इसमें आपको रीट का चैप्टर पढ़ा रहा हूं, अम्ल, क्षार और लवण। तो हमारे सामने एक इंफॉर्मेशन है, उसे हम देख सकते हैं कि लिटमस जो है वो थैलोफाइटा समूह से होता है और लाइकेन लाइकेन या लीचेन नाम के पौधे से निकाला जाता है। इसके अलावा जो नेचुरल इंडिकेटर है उसमें लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटेनिया और जेरोनियम आदि का भी हम सूचक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम चलते हैं अम्ल की तरफ। अम्ल होते क्या है? अम्ल वो पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, नींबू जैसा, ठीक है ना, इमली जैसा, जिनका स्वाद खट्टा होता है। तो जो हमें खट्टे महसूस हो, खट्टे होते हैं, तो ये तो हमें स्वाद से पता लगेगा। अब रासायनिक रूप से जो पदार्थ जलीय विलयन में H+ देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो इसमें जलीय विलयन का क्या उपयोग है? तो हम देखते हैं जलीय विलयन का क्या उपयोग है। HCl गैस है, क्या ये अम्लीय होगा? नहीं, ये अम्लीय नहीं होगा क्योंकि ये जलीय विलयन में नहीं है। क्योंकि जब तक कोई लेने वाला H लेने वाला नहीं होगा, कोई भी पदार्थ H दे नहीं सकता है। लेकिन अगर हम HCl को जलीय लिख दें, एक्वस या जलीय लिख दें, तो इससे जो जल से इसकी क्रिया होगी, तो ये जो अपना एच देगा उस एच को जल ले लेगा, तो HCl अम्ल का कार्य करेगा। तो कोई भी पदार्थ सिर्फ और सिर्फ जलीय माध्यम में ही अम्ल या क्षार का कार्य कर सकता है। तो हम देखते हैं दूसरा अम्ल H2SO4। अब क्योंकि इसके अंदर दो एच है तो ये दो एच देगा, ठीक है। और तीसरा उदाहरण हमारे पास है H3PO4, तो ये तीन एच देगा। तो HCl की क्षारकता एक हो जाएगी, कोई जितने एच देता है उसकी क्षारकता उतनी हो जाएगी, इसकी क्षारकता दो हो जाएगी और इसकी क्षारकता तीन हो जाएगी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने, जो रीट के एग्जाम में आ सकता है। हमारा ये पदार्थ, इसको देखने से बच्चों को लगेगा कि इसके अंदर तो OH है तो ये तो क्षार होगा, पर नहीं बच्चों, इसका नाम है बोरिक अम्ल, इसका नाम है बोरिक अम्ल। और ये इसका जलीय विलयन अम्लीयता दर्शाता है क्योंकि नाम से ही दिख रहा है अम्ल। तो जब हम बोरिक एसिड को जल में घोलते हैं तो ये जलीय विलयन में H+ दे देता है और इस H की वजह से ये एंटीसेप्टिक का भी कार्य करता है। इस बोरिक अम्ल का उपयोग हम आंखों को धोने में भी करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर ले, बोरिक एसिड को, ठीक है ना, आंखों को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है, आंखों को साफ करने के लिए उपयोग करते हैं, साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला यूज, इसको बच्चों के टैल्कम पाउडर में भी मिलाया जाता है क्योंकि ये माइल्ड एंटीसेप्टिक है, ठीक है ना। प्रति एंटीसेप्टिक को हिंदी में हम देखते हैं, ये एंटीसेप्टिक का भी कार्य करता है, इसलिए इसको हम पाउडर में, बच्चों के टैल्कम पाउडर में मिलाते हैं। तो हमने यहाँ पर सीखा अम्ल क्या होता है। तो अब इसको देखने से
बच्चे को लगेगा बोरिक एसिड छार है, लेकिन बोरिक एसिड के नाम से ही पता लग जाएगा, पर वो नाम देगा नहीं, सूत्र देगा। तो बच्चों ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको कहीं पर कॉपी में नोट कर लो कि बोरिक एसिड का जलीय विलयन अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। तो हमने यहाँ पर सीखा अम्ल क्या होंगे, जो जलीय विलयन में एच दे, जिनका स्वाद खट्टा हो, ठीक है ना। अब हम चलते हैं और देखते हैं क्षार, ठीक है ना। क्षार वो पदार्थ होते हैं, इनका स्वाद कड़वा होता है, साबुन जैसा होता है, कड़वा होता है या साबुन के जैसा होता है। तो अगर किसी पदार्थ का स्वाद साबुन के जैसा हो तो उसे हम क्षार कहते हैं। अब रासायनिक रूप से कैसे पता लगे कि क्षार होता है, तो जो पदार्थ जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, OH आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब अगर किसी ने एक एच दिया तो उसको एक अम्लीय क्षार कहेंगे, पर जल का होना आवश्यक है, ठीक है। तो हमने देखा जब हम इसको जल में घोलेंगे तो ये हमको OH- देगा, OH- की वजह से ये क्षार की प्रकृति दर्शाएगा। अब आया हमारा इंपॉर्टेंट बात कि क्या Na2CO3 क्षार होगा, क्या NaHCO3 क्षार होगा। तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्रथम वर्ग के या क्षार धातु के सभी पदार्थ क्षारीय गुण दर्शाते हैं। जब हम इस Na2CO3 को जल में घोलते हैं तो ये NaOH बना देता है, जिसकी वजह से ये क्षारकीय गुण दर्शाता है। ऐसे ही जब हम इस खाने के सोडे को जल में घोलते हैं तो NaOH की वजह से ये क्षारकीय गुण दर्शाता है। तो बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट है कि इसका जलीय विलयन कैसा होगा, ठीक है ना। तो इसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं। तो खाने का सोडा जलीय विलयन में क्षारकीय गुण दर्शाएगा। तो खाने का सोडा जलीय विलयन में क्षारकीय गुण दर्शाएगा। क्षारकीय गुण दिखाता है, ठीक है। तो हमने यहां पर सीखा कि क्षार क्या होता है। अब हम देखेंगे कि अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करें, ठीक है ना। तो अम्ल और क्षार की पहचान करने का एक तरीका तो चक्कर है। चक्कर खट्टा लगा तो अम्ल, और अगर कड़वा लगा तो क्षार, लेकिन इससे हमारे स्वास्थ्य को हानि हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, लिटमस पेपर की सहायता से, ठीक है ना, पेपर से अम्ल क्षार की पहचान करते हैं, अम्ल क्षार की पहचान करते हैं। तो हम देखेंगे कैसे पहचान कर। तो हमारे दो लिटमस पेपर होते हैं, ठीक है ना। एक होता है नीला लिटमस पेपर और एक होता है लाल लिटमस पेपर। तो बच्चों आपको याद होना चाहिए कि अम्ल लाल लिटमस पेपर को लाल को नीला कर देता है, ठीक है ना। गलत, अम्ल अम्ल नीले लिटमस पेपर को नीले को लाल कर देता है। तो ऐसे ही बेटा आपको पेपर में कंफ्यूजन हो जाता है। इस कंफ्यूजन से बचने का तरीका यह है, अम्ल ला से ला बनता है, और क्षार क्षार को अगर अंग्रेजी में देखें
तो हमें ज्यादा अच्छा नजर आता है। कैसे? क्षार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं, तो बेस क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को नीले में बदलता है। तो बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, तो अम्ल को याद रखो कि ला से ला बनता है, और अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे बेस याद रखें कि बी से बी बनता है। ठीक है, तो हमने यहां पर अम्ल और क्षार की पहचान कर ली। अब हम अम्ल की धातु आदि से क्रिया को करेंगे। तो हम चलते हैं आगे और देखते हैं अम्ल की क्रिया। अम्ल की क्रिया धातु से, अम्ल की क्रिया धातु से। ठीक है, हम यहां पर देखेंगे कौन से अम्ल धातु से क्रिया करते हैं और कौन से नहीं करते। तो ये बड़ा कठिन सा टॉपिक हो सकता है, पर आपको मैं आसान तरीका बताता हूं। आप ये याद रखो, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड अम्ल से क्रिया नहीं करते हैं, अम्ल से क्रिया नहीं करते हैं, उसमें से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अगर हम पूरी रासायनिक श्रेणी को याद करेंगे तो वो रासायनिक श्रेणी बहुत लंबी है और हमको याद भी नहीं होगी। तो बच्चों, सिर्फ तीन धातु याद रखो कि कॉपर, एजी और एयू की हमने रिएक्शन कराई एचसीएल से, और एचसीएल की रिएक्शन हमने जिंक के साथ कराई। तो हम चलते हैं एचसीएल को लेकर जिंक के पास। तो ये हमारा HCl है और हमने इसकी रिएक्शन जिंक से कराई। अब देखो, ऊपर वाली धातुओं में से ये नहीं है, तो जिंक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा, तो इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। लेकिन जब हम HCl की रिएक्शन कॉपर से कराएंगे, कॉपर ऊपर दी हुई धातु में है, इसकी कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, ये धातु बहुत ही कम सक्रिय होती है। इसके आधार पर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कॉपर सल्फेट और जिंक की अभिक्रिया होगी क्या, तो हम देख लेंगे इन तीन में से कोई है, ये कम सक्रिय धातु है, तो जिंक कॉपर को हटा देगा और कॉपर को मुक्त कर देगा। तो जिंक ने कॉपर को हटाकर कॉपर धातु को मुक्त कर दिया। लेकिन यदि हम जिंक सल्फेट की रिएक्शन कॉपर से कराते तो कोई भी अभिक्रिया संभव नहीं है। तो हमने यहां पर क्या सीखा, ये तीन धातु अम्ल से हाइड्रोजन नहीं निकालती हैं। ठीक है, इससे आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हम आगे पढ़ेंगे क्षार की धातु से क्रिया, क्षार की धातु से क्रिया, और ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो क्षार की धातु से क्रिया, तो यहां पर हमें नोट करना पड़ेगा क्या, जिंक, एल्यूमिनियम और बेरिलियम। ठीक है ना, जिंक, एल्यूमिनियम और बेरिलियम से क्षार क्रिया कर जाते हैं, क्षार क्रिया कर जाते हैं, तो क्रिया हो जाएगी किनसे, जिंक, एल्यूमिनियम, बेरिलियम से क्षार क्रिया करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कि ये तीनों ही धातु उभयधर्मी होते हैं, ये बहुत ही ज्ञान की बात है। तो ये उभयधर्मी होते हैं, उभयधर्मी का मतलब है कि ये अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करेंगे। तो ये अम्ल से भी क्रिया करेंगे तथा क्षार से भी क्रिया करेंगे। तो बच्चों, इनको रट लो तीनों को, जिंक, एल्यूमिनियम, बेरिलियम क्षार से क्रिया करते हैं। तो अगर हम जिंक की रिएक्शन NaOH से कराएंगे तो इसकी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना, क्रिया करते हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं।
और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है, तो इस पॉइंट को कॉपी पर लिख लो। रीड के लाइक है मतलब आ गया, तो जब हम इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे तो एक तो लवण बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस, तो आएगा क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन आएगा कौन सी, तो क्वेश्चन आएगा कौन सी धातु क्षार से हाइड्रोजन मुक्त करेगी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन, कौन सी धातु क्षार से हाइड्रोजन मुक्त करेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा बेरिलियम, जिंक तथा एल्यूमिनियम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्षार धातु, ठीक है ना, क्षार की CO2 से अभिक्रिया, क्षार की CO2 से अभिक्रिया। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो हम देखते हैं क्षार की CO2 से अभिक्रिया। तो हमने क्या किया, NaOH रख लिया, और NaOH ठोस है। जब हम बच्चों इसको नम वायु में छोड़ेंगे, नम वायु का मतलब ऐसी वायु जिसमें जल है, तो NaOH एक आर्द्रता ग्राही पदार्थ है, और आर्द्रता ग्राही पदार्थ होने की वजह से ये पानी को अवशोषित कर लेगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और जब ये जलीय हो जाएगा तो अब ये क्षारीय या क्षार की तरह व्यवहार करेगा, अब ये क्या करेगा, वातावरण में उपस्थित CO2 से क्रिया करेगा, और वातावरण में उपस्थित CO2 से क्रिया करके Na2CO3 बना लेगा, और Na2CO3 10 जल के अणुओं से क्रिया करके धावन सोडा का निर्माण करेगा। तो वो हमसे पूछेगा, जब NaOH को वायु में खुला छोड़ते हैं तो सफेद पाउडर का सूत्र क्या होता है, तो सफेद जो चूर्ण बन जाएगा, जो सफेद चूर्ण बन जाएगा उसको धावन सोडा कहते हैं, और इसे हम सोडा एस कहते हैं, और ये रीड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिर से रिपीट करते हैं, NaOH ठोस को नम वायु में छोड़ने पर ये जल को अवशोषित कर लेता है, क्योंकि ये आर्द्रता ग्राही पदार्थ है, और इसको नोट कर लेना। अब ये NaOH क्षारीय है, ये अम्लीय CO2 से क्रिया करेगा और सफेद रंग के Na2CO3 का निर्माण करेगा, जो 10 जल के अणुओं को अपने से जोड़ लेगा और सफेद चूर्ण बना लेगा, जो वॉशिंग सोडा का काम करेगा। और वॉशिंग सोडा का काम क्या होता है, ये जल की कठोरता को दूर करता है, डिटर्जेंट में मिलाते हैं इसको। तो हमने यहां पर देखा इसकी रिएक्शन, अब हम एक इंपॉर्टेंट क्षार की रिएक्शन और देखेंगे, और वो इंपॉर्टेंट क्षार कौन है, CaOH। अगर हम इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जल से कराते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा, कैसा अवक्षेप, सफेद अवक्षेप। लेकिन अगर हमने CO2 को अधिकता में पास कर दिया तो ये सफेद अवक्षेप भूल जाएगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है, और ये घुलनशील होता है, और ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कि वो पूछेगा कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोऑक्साइड में से CO2 गुजारने पर सफेद पदार्थ क्यों घुल जाता है अधिक में गुजारने पर, तो अधिक में गुजारने पर हमको कैल्शियम बाइकार्बोनेट की प्राप्ति होती है, जो जल में घुलनशील है। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूं,
ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना भुजा चूना कहते हैं, बिना भुजा चूना, और जब हम इसमें जल मिलाते हैं तो इसकी गर्मी शांत हो जाती है और ये स्लैग्ड लाइम में बदल जाता है। तो बिना भुजा चूना में, बिना भुजा चूने में जल मिलाने पर, जल मिलाने पर ये स्लैग्ड लाइम में बदल जाता है और ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। और ये हमने सबने घरों में देखी होगी कि जब हम घर में सफेदी कराते हैं तो बिना बुझे हुए चूने को लाते हैं, और बिना बुझे हुए चूने को जब मटके में या किसी में पानी मिलाते हैं तो उसमें से बहुत ही ऊष्मा का निर्माण होता है और पानी उबलने लगता है। तो ये रीट के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो हमने दो हाइड्रोक्साइड की CO2 के साथ में रिएक्शन पढ़ ली है। हम अब पढ़ेंगे धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो धातु कार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया, तो हमने धातु कार्बोनेट और अम्ल की अभिक्रिया कराई। तो अब ध्यान से देखना कैसे, हमने क्या है Na2CO3 लिया और इसकी रिएक्शन HCl से कराई, क्योंकि इसमें दो Na हैं तो ये दो अम्ल के अणु से क्रिया करेगा। तो सबसे पहले हमने एक ही इसमें एक ही सोडियम को प्रतिस्थापित किया है, तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा। और अगर हम इसकी दूसरी बार अभिक्रिया कराएंगे तो हमें H2CO3 प्लस NaCl प्राप्त होगा और यहाँ पर भी NaCl निकलेगा और ये कार्बोनिक अम्ल टूटकर H2O और CO2 बना लेगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ये अम्लीय लवण है, क्या ये अम्लीय लवण है? तो बच्चों अगर किसी में हाइड्रोजन दिख जाए, ठीक है ना, तो वो अम्लीय लवण कहलाता है। रीट के लिए इतना ही बहुत बढ़िया है कि किसी में भी अगर H दिख जाए तो वो अम्लीय लवण कहलाएगा। तो हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल। जब हम इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन HCl से करते हैं तो इसके अंदर दो H है, अब इसमें ये बन जाता है। तो आप देखो इसके अंदर H है इसलिए ये भी अम्लीय लवण होगा। तो जिस भी लवण में आपको हाइड्रोजन दिख जाए वो अम्लीय लवण होगा। तो ये अम्लीय लवण है और ये उदासीन लवण है। तो हमने यहाँ पर देखी धातु कार्बोनेट की अम्ल से, हम अब पढ़ेंगे धातु कार्बोनेट की अगले अम्ल से अभिक्रिया जो हमारी ताजमहल के क्षरण को दिखाएगी। तो जो ताजमहल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है और इसको हम संगमरमर कहते हैं और ये अघुलनशील होता है, मतलब जल में नहीं घुलेगा। तो अगर इसकी रिएक्शन हम अम्लीय वर्षा से कराएं तो अम्लीय वर्षा में H2SO4 या HNO3 होता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट H2SO4 से रिएक्ट करता है और कैल्शियम सल्फेट बना लेता है जिसकी वजह से ताजमहल पीला पड़ जाता है। तो ताजमहल के ये पीले पड़ने का कारण है कि कौन सी गैस ताजमहल को पीला कर रही है। तो H2SO4 अम्ल की वजह से ताजमहल पीला पड़ रहा है। अब CO2 क्या करती है? तो हम देखते हैं अगर वातावरण में CO2 ज्यादा बढ़ जाएगी तो कैल्शियम कार्बोनेट इस CO2 से क्रिया करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेता है और ये जल में घुलनशील होता है। तो जब बरसात आएगी तो मार्बल बह जाएगा पानी में घुलकर और जहां से
ये मार्बल हट जाएगा, उस जगह गड्ढे पड़ जाएंगे। तो ताजमहल में गड्ढे पड़ने का रीजन क्या है? CO2 की अभिक्रिया से कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण। बच्चों इसे नोट कर लो। और पीले पड़ने का कारण क्या है? कैल्शियम सल्फेट का निर्माण। अब ये H2SO4 कहाँ से आती है? तो मथुरा रिफाइनरी से SO2 मुक्त होती है, जो जल से क्रिया करके सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है, जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। तो मथुरा रिफाइनरी से निकली हुई SO2 अम्लीय वर्षा करती है, जो ताजमहल के मार्बल को पीला कर रही है। और वातावरण में मुक्त हुई CO2 उसको कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदलकर अघुलनशील बना देती है, जिसकी वजह से ताजमहल में गड्ढे होते जा रहे। तो हमने इसमें पढ़ा अम्ल की और क्षार की अलग अलग पदार्थों से क्रिया। अब हम पढ़ेंगे अम्ल की क्षार से क्रिया। तो जब हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करते हैं तो हमें एक तो जल प्राप्त होगा और प्लस लवण प्राप्त होगा, और ये अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होती है, अर्थात इसमें ऊष्मा का निर्माण होगा। तो जिस बर्तन में हम ये अभिक्रिया करेंगे उस वो बर्तन गर्म हो जाएगा। तो हम देखते हैं कैसे होती है अभिक्रिया। जब ने HCl की रिएक्शन NaOH के साथ में कराई तो दोनों आपस में मिलेंगे, ये धन होता है और ये ऋण। अगर आपको नहीं आता तो पहले वाला हमेशा धन और बाद वाला ऋण होता है, ऐसे ही NaOH में ये धन और ये ऋण होगा। तो इसका धन उसके ऋण से और इसका ऋण इसके धन से जब जुड़ेगा तो आप देखोगे हमें NaCl और जल प्राप्त होगा, प्लस ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है इसलिए इसमें हमको ऊष्मा की प्राप्ति भी साथ में होगी, ठीक है। तो हम चलते हैं एक और अभिक्रिया को देखने, और वो अभिक्रिया हमारी कौन सी है? H2CO3। जब हम H2CO3 की अभिक्रिया NaOH के साथ में कराते हैं, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी करी है, ये 2H देगा तो दो बार में क्रिया कर सकता है। पहली बार में एक H का उदासीनीकरण होगा और फिर दूसरी बार में दूसरे का भी उदासीनीकरण हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहली बार में ये जो लवण बना इसके अंदर हाइड्रोजन है, तो ये अम्लीय लवण कहलाएगा। तो अम्लीय लवण आपके लिए बहुत ही आसान है देखना, जिसमें भी H दिख जाए वो अम्लीय लवण कहलाएगा। और इसके दो ही अपवाद है। पहला अपवाद आपके सामने है, इसमें 2H है पर ये उदासीन लवण है, और दूसरा ये है, इसके अलावा ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसमें हाइड्रोजन बीच में दिख जाए और वो अम्लीय नहीं हो। तो बच्चों इसको रट लो, ये अम्लीय नहीं है, इसके अलावा जिसमें भी हाइड्रोजन दिख जाए वो अम्लीय लवण होगा, और ये रीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हमने आज इस चैप्टर में अम्ल क्षार पढ़े और फिर अम्ल क्षार की पहचान पड़ी, फिर हमने अम्ल और क्षार की कार्बोनेट ऑक्साइड इत्यादि से क्रिया करी। मैं आशा करता हूं आपको ये रीट में सफलता दिलाएगा, और इस लॉकडाउन के बाद अगला जब भी पेपर होगा आपको ये स्कूल में टीचर बनाकर ही ले जाएगा। तो देखते रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको और अच्छे वीडियो बनाकर दे सकूं।